Morning students, our today's topic is quality of irrigation water. We will talk about quality of irrigation water. जैसे कि हम सबको पता है कि अगर इरिगेशन वाटर जो है उसकी क्वालिटी सही होगी तभी हम उसको यूज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने फील्ड में जो पानी है वो क्लीन नहीं होगा, उसमें सॉल्ट ज्यादा होंगे, उसमें एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसमें अल्कलाइन सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पानी है वो गंदा होगा। और जब हम वो अपनी क्रॉप को वही पानी देंगे इरिगेट करने के लिए फॉर द इरिगेशन, तो वो क्या करेगा, हमारी एक तो क्रॉप डेवलपमेंट और ग्रोथ पे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा। दूसरी चीज कि अगर वो क्रॉप को पानी दिया जाएगा तो उसकी वजह से क्या है, सम प्लांट्स विल डेसिकेट, सम विल हैव द स्टंटेड ग्रोथ, सम विल नॉट एबल टू डेवलप एज दे आर गोइंग टू डेवलप विद द प्रॉपर गुड क्वालिटी ऑफ इरिगेटेड वाटर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो कि नॉट फिट फॉर प्लांट्स, नॉट फिट फॉर फार्मर, बिकॉज इट रिड्यूसेस द फार्मर्स यील्ड एंड उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेन सेटअप कम होगा, मिल्किंग स्टेज में जो है वो उसमें भी लॉस होगा, मिल्किंग प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली नहीं वर्क कर पाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें वाटर क्वालिटी जो है उसको ध्यान में रखना है। अगर हमारी वाटर क्वालिटी सही नहीं होगी तो वो हमारे लिए, हमारी क्रॉप के लिए, हमारी क्रॉप यील्ड के लिए इट्स नॉट गुड। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर क्वालिटी फॉर इरिगेशन, इसके लिए इसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे क्लासिफाई किया गया है। इन सेवरल स्टडीज कैरिड आउट इन द 80s ऑन द वेरियस कॉजेस फॉर द क्लॉगिंग ऑफ द एमिटर्स, the engineers based on three major interrelated factors contributing to specific problem classified the water according to chemical quality, the physical and the biological. मतलब क्या है कि जब जो हमारे emitters होते हैं जिनके through पानी come out, water come out through the emitters, वो emitters में क्या होता है, वो clogged हो जाते हैं, clogging हो जाती है उनमें, जम जाता है कुछ, तो water will not able to come out properly. तो वो एमिटर्स जो है वो खराब हो जाते हैं, उसमें व्हाइट सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, व्हाइट पाउडरी लाइक जो है सब्सटेंसेस वो निकल के आते हैं उससे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एमिटर्स भी खराब होते हैं और उससे हमारी क्रॉप भी खराब होती है। दो चीजों में लॉसेस हो रहे हैं, एक तो आपको एमिटर्स जल्दी से जल्दी चेंज करने पड़ेंगे, एमिटर्स जल्दी चेंज करने के अलावा आपको क्या है, आपकी क्रॉप के लिए उस पर बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट आएगा, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है उस चीज के आपकी क्रॉप के लिए। तो इसीलिए आपको इंजीनियर्स ने तीन बेसिस पे वाटर क्वालिटी को क्लासिफाई किया है, तीन क्वालिटीज में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज केमिकल, सेकेंड वन इज फिजिकल एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल। तो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल। केमिकल में आ जाता है सेलिनिटी, मतलब सॉल्ट कंटेंट कितना है उसमें, कितना सेलाइन है वाटर, फिर टॉक्सिसिटी कि उसमें जो है हैवी मेटल्स वगैरह कितने प्रेजेंट हैं जो कि बिकम टॉक्सिक टू द प्लांट एज वेल एज द सॉइल। द प्लांट्स एंड द इरिगेशन सिस्टम सच एज इट्स पाइप करोजन हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है, एंड एमिटर केमिकल क्लॉगिंग हो जाती है, उसमें एमिटर्स में क्लॉगिंग हो जाती है, जम जाता है, जिसकी वजह से पानी दैट नॉट एबल टू कम आउट इन अ प्रॉपर मैनर। फिर उसके बाद दूसरी आ गई हमारी फिजिकल, ये था केमिकल। केमिकल में ऑब्वियसली बात है सैलिनिटी टॉक्सिसिटी ही आएगा, बट फिजिकल में क्या आता है, फिजिकल में आता है जैसे जो सॉलिड पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटी कंटेंट है कुछ, जैसे पेबल्स लाइक कुछ उसमें है, क्लॉड्स हैं जो कि नहीं टूटते, हार्ड क्लॉड्स प्रेजेंट हैं तो पानी में अगर, तो उससे भी क्या होता है, एमिटर्स में ब्लॉकेजेस होती हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर द एमिटर्स। फिजिकली मतलब कि जो चीजें इम्प्योरिटीज जो है वो एमिटर्स में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी जो है वो एमिटर्स से मूव आउट नहीं हो पाता है।
देन नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल में आता है प्रॉब्लम्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अदर कंटेंट्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. मतलब जो ऐसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या आता है कि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियल कंटेंट्स जैसे एल्गी वगैरह भी हो जाता है, तो एल्गल कंटेंट उसमें जो है वो एक तो सॉइल के लिए बैड है, बैक्टीरिया और एल्गल ग्रोथ जो है वो सॉइल के लिए भी खराब है एज वेल एज फॉर द एमिटर्स ऑल्सो. क्योंकि अगर उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे और उसमें एल्गी प्रेजेंट रहेगी तो क्या होता है, क्लॉगिंग हो जाएगी एमिटर्स में, फिर से वही दिक्कत कि क्लॉगिंग की वजह से वाटर विल नॉट एबल टू कम आउट इन अ प्रॉपर वे. तो ये थे तीन प्रोसेसेस जो इंजीनियर्स ने इनको तीन क्लासिफिकेशंस की हैं उसकी, हमारे उसकी वाटर कंटेंट की, इरिगेशन वाटर की. तो ये था सिर्फ फॉर द एमिटर्स पर्पस, सॉइल के लिए तो था ही बट एमिटर पर्पस के लिए जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है. नाउ अब तो केमिकल क्वालिटी है इरिगेशन वाटर, वो कैसे किस चीज पे डिपेंड करती है, कौन सी चीजें हैं जिन पे हमारी केमिकल क्वालिटी डिपेंड करती है ऑफ द इरिगेशन वाटर. नंबर वन इज कंपोजिशन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स. मतलब उसमें कितना कंपोजिशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है सॉल्ट्स का या फिर टॉक्सिक कंपाउंड्स का, और उसमें वो कितना कंसेंट्रेटेड फॉर्म में उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट है, मतलब कितनी अमाउंट तक उसमें सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट है, कितने ज्यादा हैं. वो कोई भी हो सकते हैं, बेसिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर्स. बट हम देखते हैं कि वाटर में कितनी कंसेंट्रेशन से जो है सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट है. Salinity is a common problem facing farmers who irrigate in arid climates. This is because all irrigation waters contain soluble salts, whether derived from springs, diverted from streams, or pumped from wells. The waters contain appreciable quantities of chemical substances in solution. Dissolved from the geological strata through and over which the waters have flowed, waters with a high salt content may have moved from saline water table. In areas with intensive agriculture, fertilization is a major cause of aquifer salinization. मतलब salinity जो है वो arid areas में सबसे ज्यादा होती है. Arid areas में जब हम farmers irrigate करते हैं तो वो basically जो है फेस करते हैं सैलिनिटी. ये है एक मेन कारण. तो फिर उसके बाद है कि जो हमारा इरिगेशन वाटर है हमने कहीं से भी लिया हो, इधर फ्रॉम स्प्रिंग्स और फ्रॉम स्ट्रीम्स और फ्रॉम दीज पम्प्ड वेल्स, कि आपने चाहे वो वेल से निकाला है, ट्यूबवेल्स की हेल्प से आपने पंप किया है, पर उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन होती ही है. तो पर डिपेंड करता है वो एप्रिशिएबल अमाउंट में है या फिर इन सीवियर केसेस जो है वो हाई सैलिनिटी प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये क्यों होती है, क्योंकि जब हम फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं अपने फील्ड्स में तो इट लीड्स टू द सॉल्ट, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन जो है हमारी फर्टिलाइजेशन जो हम करते हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एक्सेस, देन इट increases the amount of salt in the water table. So water table may be salt concentration badhegi because with the help of seepage or infiltration, the water containing the fertilizer moving towards the water table, which contains a high amount of soluble salts. Or those soluble salts go and mix with the water table. For whenever you pump that water up with the help of tube wells, तो उससे क्या होता है, वही water table का जो fertilizer से high salt content हो गया उसमें वही pump होगा और वही आपके field को जाएगा. तो basically salinity is the major problem जहां पे लोग fertilizer use करते हैं in excess.
राइस में जो है आपको काफी फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है राइस के जहां जहां राइस उगाते हैं वहां सैलिनिटी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ड्यू टू दैट हाई फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन द वाटर टेबल इज फुल ऑफ सॉल्ट्स. द वाटर टेबल कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट सैचुरेशन. जब जिप्सम की या फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट की एप्लीकेशन ज्यादा होती है, तो जब वो पानी डिजॉल्व होता है इन द वाटर तो वो सॉल्ट सेपरेट इनटू आयंस, वो आयंस में चेंज हो जाता है. सोडियम क्लोराइड ब्रेक्स डाउन इनटू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस. दस इट इज अ कस्टमरी टू रेफर टू आयंस रेदर देन सॉल्ट्स. The principal ions in irrigation water and their characteristics are listed in this table. मतलब क्या है कि वो salts जो हैं जब पानी में dissolve होते हैं तो they breaks down into the different ions. मतलब sodium के ions अलग हो जाएंगे, chloride के ions जो हैं वो अलग हो जाएंगे, chlorine बन जाएगा. तो वही चीज है कि जब पानी में वो मिक्स होते हैं सॉल्ट कंटेंट तो इट चेंजेस इनटू आयंस, और जो आयंस हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मिलीग्राम्स पर लीटर, एमजी पर लीटर और पीपीएम. पीपीएम से भी कर सकते हो आप या फिर एमएल पर लीटर भी कर सकते हैं, एमजी पर लीटर भी कर सकते हैं. अगर आपको मिलीग्राम पर लीटर को चेंज करना है इनटू द मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है. मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट. जो उसका इक्विवेलेंट वेट है उससे आप जब मिलीग्राम पर लीटर को डिवाइड करोगे द यूनिट यू हैव इज मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. पर बोरोन जो है वो इरिगेशन वाटर में भी अनआयनाइज रहता है बोरिक एसिड की फॉर्म में ही. उसके जो आयंस हैं वो चेंज नहीं होंगे, दैट रिमेन्स द बोरिक एसिड विद वाटर और विदाउट वाटर, वो दोनों में सेम रहेगा. पर उसको फिर आप मिलीग्राम पर लीटर ही मेजर करते हो. इफेक्ट ऑफ सोलबल सॉल्ट ऑन प्लांट्स. अब सोलबल सॉल्ट का प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, प्लांट्स के ऊपर सोलबल सॉल्ट जो है वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं. द एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर टू द सॉइल इंट्रोड्यूसेस सॉल्ट इनटू द रूट जोन. प्लांट रूट्स टेक इन वाटर बट अब्सॉर्ब अ वेरी लिटिल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन. सिमिलरली वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द सॉइल सर्फेस बट सॉल्ट रिमेन बिहाइंड. Both processes results in the gradual accumulation of the salts in root zone, even with the low salinity water. This situation may affect the plants in two ways. First is by creating salinity hazards and water deficiency. So B is by causing toxicity and other problems. मतलब क्या है कि जो पानी में जिसमें salt है वो plants पे क्या असर. पहला असर तो एक तो हो जाएगा कि जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत कम अब्सॉर्ब किया जाता है बाय द रूट्स, क्योंकि वो सॉल्ट्स जो है वो रूट जोन में ही चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. तो क्या होता है कि जो सॉल्ट्स हैं दैट इज अपटेकन बाय द प्लांट इन अ वेरी लिटिल क्वांटिटी, तो वो पानी तो पूरा अब्सॉर्ब करेगा जितना उसको चाहिए. उसके बाद जो सॉल्ट कंटेंट है वो एक स्मॉल अमाउंट में ही कंटेन मतलब स्मॉल अमाउंट में ही उसको अपटेक करेगा, और वो अपटेक की वजह से उसको दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. फर्स्ट वन इज तो टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी जो है वो
वो कर देता है रूट्स में, प्लांट्स में टॉक्सिसिटी कॉज करता है. दूसरी चीज है कि वो क्या करता है, आपके इवेपोरेशन रेट को बढ़ा देता है. इवेपोरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है विद द वाटर सोल्युबल सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट इन द वाटर. और दूसरी चीज है कि वो सेलिनिटी हैजर्ड्स क्रिएट कर देता है, मतलब सॉल्ट की जो लेयर है दैट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसकी वजह से सैलिनिटी हैजर्ड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. इफेक्ट ऑफ सोल्युबल सॉल्ट्स ऑन सॉइल. अब सोल्युबल सॉल्ट्स का सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट है? नंबर वन इज द सोडियम हैजर्ड. पहला जो हैजर्ड है दैट इज द सोडियम हैजर्ड. व्हेन सॉइल परमेबिलिटी प्रॉब्लम अकर्स विद द हाई सोडियम कंटेंट इन द इरिगेशन वाटर, सोडियम हैज अ लार्जर कंसेंट्रेशन देन एनी अदर केटायन इन द सेलाइन वाटर. इट सॉल्ट्स बीइंग वेरी सोल्युबल positively charged, it is attracted by the negatively charged soil particles, replacing the dominant calcium and magnesium cations. The replacement of calcium ions with sodium ions causes the dispersion of the soil aggregates and the deterioration of its structure, thus rendering the soil impermeable to water and air. The increase in the concentration of exchangeable sodium may cause an increase in the soil pH to above 8.5 and reduce the availability of some micronutrients like iron and phosphorus. Sodium hazard mein kya hota hai? Sodium hazard mein hota hai ki jab aapko sodium ki matlab excess ho jati hai. तो एक तो जो हमारा सॉइल परमेबिलिटी है दैट रिड्यूसेस मींस द पोर स्पेस प्रेजेंट इन द सॉइल रिड्यूसेस ड्यू टू व्हिच द सॉइल बिकम्स नॉन पोरस हो जाता है. और सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है अपनी सलाइन वाटर से. ठीक है, तो सलाइन वाटर में अगर सोडियम प्रेजेंट है आपके पास तो उसकी कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी कंपेरेटिवली टू द अदर contents because it is a positively charged particle. So ye negatively charged particles ko attract karta hai jiski wajah se it uproots the sodium ions and magnesium ions and calcium ions out of the soil. matlab un dono ko attract karke wo bahar nikalega soil se aur khud kya hai uski pores mein khud jagah le leta hai jiski wajah se ek to soil non porous hoti hai. दूसरी चीज है सॉइल स्ट्रक्चर जो है दैट इज डिस्टर्ब दैट इज डिस्ट्रॉयड. सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और जो एग्रीगेट्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे रेदर बीइंग टुगेदर द सॉइल पार्टिकल्स डिस्पर्स द सॉइल पार्टिकल्स गेट अवे फ्रॉम ईच अदर. ड्यू टू दैट द सॉइल स्ट्रक्चर ऑल्सो इज अफेक्टेड. और इससे क्या होता है, व्हेन द सोडियम कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस इन एनी सॉइल द पीएच गोज अप टू 8.5 एंड इट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी दैट इज आयरन एंड फास्फोरस. जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो गायब हो जाएंगे और उनको जो हमारे प्लांट रूट्स है they are not able to absorb it anyways. The degree of absorption to the clay particles of the sodium depends on its concentration in the water and concentration of the calcium and reverse magnesium ions. ये तभी ठीक हो सकता है अगर कैल्शियम और सोडियम की अब्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू द दिस सोडियम.
कौन सी जो हमारे पास क्रॉप्स हैं या फिर हमारे पास हर्ब्स हैं जो कि टॉलरेंट हैं टू द हाई सैलिनिटी हैजर्ड्स? नंबर वन इज आर्टिचोक, नंबर टू इज एस्पैरेगस, नंबर थ्री बीन, नंबर फोर मूंग बीन, नंबर फाइव बीट, नंबर फोर ऑफ सिक्स ब्रोकली, नंबर सेवन ब्रूसल स्प्राउट, नंबर एट कैबेज, नंबर नाइन कैरेट, नंबर टेन कॉलीफ्लावर, नंबर इलेवन सेलरी, नंबर ट्वेल्व कॉर्न स्वीट कॉर्न, नंबर थर्टीन ककम्बर, नंबर फोर्टीन एग प्लांट मतलब ब्रिंजल, नंबर फिफ्टीन काले, नंबर सिक्सटीन कोलराबी, नंबर सेवनटीन लेट्यूस, नंबर एटीन मस्कमेलन, नंबर नाइनटीन ओकरा, नंबर ट्वेंटी अनियन, देन 21 पार्सनिप, 22 पी, 23 पेपर, 24 पोटेटो, 25 पम्पकिन, 26 रेडिश, 27 स्पिनिच, 28 स्क्वायर स्कैलोप, 29 स्क्वायर जुचिनी, 30 स्ट्रॉबेरी, 31 स्वीट पोटेटो, 32 टोमेटो, 33 टोमेटो चेरी, 34 टर्निप एंड 35 वाटरमेलन। ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो सॉल्ट हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, और अगर मतलब आपको ग्रो करना है सॉल्ट कंसंट्रेटेड एरियाज में तो यू कैन प्लांट दीज क्रॉप्स और कल्टिवेट दीज क्रॉप्स। तो नॉन सलाइन वाटर है जिसका ईसी जो है दैट इज बिलो 0.7। जब हमारा ईसी हो गया 0.7 to 4.0.42 तो वो है हमारा सलाइन वाटर। जो है 0.7 to 3 वो है स्लाइटली सलाइन। जो है 3 to 6 वो है मीडियम सलाइन, मोर देन 6 हाई सलाइन, मोर देन 14 वेरी सलाइन, और मोर देन 42 इज ब्राइन। ठीक है जी, ये ऊपर जो आपको सलाइन वाटर दिया है इसमें आपको बताया कि 0.7 से लेके 42 तक सलाइन ही है वाटर। ये है सोडियम हैजर्ड, फिर है सैलिनिटी हैजर्ड, फिजिकल क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर्स एंड ट्रीटमेंट। और फिजिकल क्वालिटी जो है इरिगेशन वाटर की वो आप कैसे मैनेज कर सकते हो और कैसे आप फिजिकल क्वालिटी को जज करते हो? पहले तो वही कि अगर डैम्स और ओपन रिजर्वायर्स में ग्रीन एल्गी होता है, फोटोप्लैंक्टन या फिर बैक्टीरिया जूप्लैंक्टन होते हैं जिनकी वजह से वो बैक्टीरियल स्लाइम लाइक मतलब होता है, जब आप उस पर हाथ लगाओगे तो वो स्लाइमी होता है वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। और उसमें क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो इम्प्योर वाटर जो है आप उसको नहीं यूज कर सकते, दैट इज अनफिट एंड दैट इज फिजिकली नॉट सूटेबल। तो उसकी हम फिल्ट्रेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं, ग्रेवल्स को ग्रेनुलर फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन सैंड सेपरेटर्स यूज कर सकते हैं, स्ट्रेनर्स यूज कर सकते हैं, स्क्रीन टाइप और डिस्क टाइप।
मेश के थ्रू आप उसको पानी को निकालोगे तो वो उसकी इम्प्योरिटीज जो है दैट रिमेन्स इन द मेश एंड द क्लीन वाटर गो टू द इरिगेशन चैनल्स. It, you can see all crops उगाने के लिए आप उसको treatments कौन से दोगे, skin retouching, disinfection, ये सारी जो चीजें हैं आप देख सकते हो उस टेबल में. ये था हमारा क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर. इससे हम अपने इरिगेशन वाटर की क्वालिटी जो है उसको सही कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं. टॉपिक टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक सो मच.